उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद थाना नारखी क्षेत्र पचवान टावर के पास एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आनंद फालन में उसे सरकारी ट्रामा सेंटर लाया गया है। यहां चिकित्सक के नाजुक हालत देखते हुए आगरा उन्हें रेफर कर दिया है। आपको बताते चले, थाना नारखी क्षेत्र मुहिद्दीनपुर निवासी जगदीश चंद्र का 25 वर्षीय पुत्र अजीत यादव टुंडला से बाइक द्वारा अपने घर देर रात निकला था। इस दौरान अज्ञात लोगों ने थाना नारखी क्षेत्र पचवान टावर के पास उसे गोली मार दी है। आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल के सरकारी ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां चिकित्सक ने नाजुक हालात देखते हुए आगरा रेफर किया है। ऐसा मीडिया को परिजनों ने बताया कि टुंडला से घर लौट रहा था, तभी पचवान टावर के पास किसी ने गोली मार दी। हमें सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंच गए। वही ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने बताया कि इसकी कंडीशन गंभीर है, सिर में गोली लगी है, एक जगह और गोली लगी है, इसलिए इसे आगरा रेफर किया गया। थाना नारखी क्षेत्र में अजीत नामक युवक को 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारने की घटना जानकारी में लाई गई है। इस संदर्भ में आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मजरूब की बाइक घटनास्थल पर ही मिली है। मजरूब का आपराधिक इतिहास है, वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है, उनसे तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। NBC न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।